हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आई हूँ, ये हमारा जो एशियन सुपरमार्केट होता है ना, तो आज मैं वहाँ आई हूँ। तो आज हम लोग चेक करेंगे कि आटा, दाल, चावल और जो बाकी ग्रॉसरीज होते हैं, इनके प्राइजेस अभी क्या चल रहे हैं यूके में। तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि प्राइजेस के अलावा और आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिल सकता है। तो ये देखिए, पहले हम ये सेक्शन में आए हैं जहाँ आपको बहुत सारे मसाला मिलते हैं। MDH का बहुत फेमस है और आपको यहाँ पे हर तरीके का, मतलब आपको मसाला आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये देखिए, यहाँ पे दूसरे ब्रांड्स भी हैं, जैसे MDH हो गया, ये हो गया मंगल, फिर दूसरा फेमस एक होता है शान का, ये भी बहुत अच्छा होता है। ये बाकी ब्रांड्स तो मुझे पता नहीं, लेकिन शान एंड MDH, ये दोनों भी ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं और आपके पास हर चीज़ मिल जाएगा। जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूके में आए हैं ना, उनको ऑलमोस्ट आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप ये एशियन वाले में जाइए, आपको सब मिल जाएगा। देखिए, आपको गरम मसाला का पाउडर अगर बनाना है तो आपको पूरा एक रेडीमेड मिक्स मसाला मिल जाएगा। बस आप एक बार इसका एक्सपायरी डेट देख लीजिए एंड ये बहुत अच्छा रहता है। सब टाइप के गरम मसाला आपको मिल जाएगा, तेज़पत्ता भी मिल जाएगा। दो टाइप के आपको सिनेमन या फिर दालचीनी भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक सेक्शन है नूडल्स एंड पास्ता, जहाँ पे आपको इंडियन वैरायटी के मैक्रोनी और नूडल्स सब मिल जाएगा। देखिए, हिप्पी नूडल्स, मैगी नूडल्स, और इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, एकदम ठीक है। ये वाला ब्रांड का साबूदाना अच्छा होता है, तो अगर आपको कभी लेना है तो फटगो का आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये देखिए, वर्मिसेली भी, जो सेवियाँ होता है वो भी हर तरीके के आपको मिल जाएंगे। बैम्बिनो का भी मिल जाएगा। ये वाले थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं जो यूजुअली लेती हूँ वो ये वाला ब्रांड है, सेम टेस्ट है और ये थोड़ा सस्ता रहता है। अगर आपको रेडीमेड कुछ खाना है तो एक गिट्स ब्रांड का ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मिल जाता है, जो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के आटे भी मिल जाएंगे, जैसे जवार का आटा हो गया, या फिर राइस फ्लावर हो गया, या फिर रागी हो गया, या मिलेट हो गया, और वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और दाम भी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। देखिए, जैसे 2 पाउंड में आपको 1 kg मिल ही रहा है यहाँ पे। जो लोग पानी पूरी और पापड़ के शौकीन हैं उनको वो भी मिल जाएगा। तो जैसे मैं यूजुअली लेती हूँ, ये हीरा वाला ब्रांड होता है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाला आप ले लें, 250 grams का है, आपको ऑलमोस्ट 2.49 में मिल रहा है। पापड़ भी आपको अलग अलग ब्रांड के मिलते हैं, लेकिन मैं यूजुअली लेजिट ब्रांड का लेती हूँ क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं। चलिए, तो आ गए हम लोग दाल के तरफ। और बेसन भी है, देखिए बहुत डिफरेंट वैरायटी के भी बेसन मिलते हैं यहाँ पे। आपको बड़ा पैकेट भी मिल जाएगा और छोटे पैकेट भी मिल जाते हैं। तूर दाल 2 kg यहाँ पे 5 pound का है, मतलब इंडियन रुपीस के हिसाब से 500 रुपये में आपको 2 kg का मिल रहा है। देखिए, प्राइस अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन क्वालिटी वाइज मुझे लगता है ये सब क्वालिटी बहुत अच्छे रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दाल छोटे पैकेट में चाहिए, जैसे 1 kg या फिर 500 ग्राम, वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत वैरायटीज़ के रहते हैं। जो मेन, जो काफ़ी फेमस ब्रांड है वो है TRS का। TRS भी बहुत अच्छा ब्रांड है, हाँ, वो ट्राई कर सकते हो, या फिर इंडस। इंडस का ब्रांड भी बहुत अच्छा रहता है। देखिए, ये वाला ब्रांड है इंडस का, ये ब्रांड भी अच्छा रहता है। तो आपको देखिए, ऑलमोस्ट सही तरीके के दाल सब कुछ मिल जाएगा, काला चना सब मिल जाता है।
तो ये कुछ नया ब्रांड दिख रहा है मुझे, सनम मूंग होल। मुझे वैसे भी ग्रीन मूंग तो लेना ही था। इसका प्राइस देखिए, ये है कुछ 2 पाउंड में आपको 1 kg मिल रहा है। ठीक है, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ इस बार। बस अब एक एक्सपायरी डेट देखना बहुत ज़रूरी है, अगस्त 2025, तो मैं ये ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ना बेसन ख़त्म हो गया था, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला लूँ। TRS ब्रांड का अच्छा रहता है। ये देखिए, ये है कुछ 2 पाउंड में, मैं ये वाला ले रही हूँ। फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अचार और चटनी के सेक्शन में। यहाँ पे जो नॉर्थ साइड के जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको ये वाला मिर्ची बहुत पसंद आएगा, स्टफ्ड रेड चिली पिकल। ये मैंने भी ट्राई किया है, ये काफ़ी अच्छा है। जो भी मेरे फ्रेंड्स साउथ से हैं, जैसे हैदराबाद से हैं, उनको ये वाले प्रिया ब्रांड के जो पिकल्स हैं, ये बहुत पसंद आएंगे। जैसे मैंगो का, प्रिया के सब वैरायटी मिल जाते हैं। सबका फेवरेट सेजवान चटनी, ये भी अवेलेबल है। आपको इसी पिकल्स के सेक्शन में ही ना, आपको बहुत सारे अलग टाइप के सॉसेस भी मिल जाएंगे, जैसे हॉट चिली, मैंगो चिली। देखिए, गुलकंद भी अवेलेबल है यहाँ पे, जिसको गुलकंद का जूस पीना है वो भी पी सकते हैं। इसमें बहुत वैरायटीज़ हैं। देखिए, यहाँ पे सबका मुरब्बा भी मिलता है, लेकिन ना यहाँ पे आपको फ़िलहाल आंवला का मुरब्बा अभी शायद आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन यूजुअली वो भी रहता है। तो ये पिकल्स का सेक्शन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारे वैराइटीज़ के हींग भी मिल जाएंगे, और मुझे लेना था फ्लेवर सैफ्रॉन का, सैफ्रॉन कलर, तो मैं सोच रही एक ले लूँ। मूंगफली, ये ब्रांड अच्छा रहता है, क्योंकि मूंगफली का दाम थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये हमारे इंडियन फ्रेंड्स के लिए है, और अगर आपको इंडियन वाला फ्लेवर वाला चाय चाहिए, तो रेड लेबल भी अवेलेबल है, ताजमहल भी अवेलेबल है, बाग बकरी चाय जो यहाँ पे फेमस है वो भी अवेलेबल है। बाग बकरी चाय 1 kg है कुछ 7 pounds 49। बच्चों का फेवरेट पाले जी बिस्किट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, और हर तरीके के ही बिस्किट्स अवेलेबल है, गुड्डे भी मिल जाएंगे आपको। मैं ये वाला बिस्किट ना ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं कैसा होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे रेडीमेड पानी पूरी का भी जो पूरी है, वो भी आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के मिल जाएंगे, और डिफरेंट प्राइस रेंज में भी मिल जाएंगे। रोटियाँ भी मिल जाती हैं, स्पेशली जो बैचलर्स हैं या जिनको रोटी बनाने नहीं आती, उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। अगर आपको मिक्सचर खाने का इंटरेस्ट है, तो हल्दीराम्स के भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं ऑफिस में, कभी कभी 2 for 1 भी मिलता है, जैसे मसाला मूंग दाल, और वो सब कुछ अवेलेबल है। ये देखिए, ऑफ़र पे लगा है रोस्टेड ग्राम, ये मिल रहा है 3 pounds में 600 grams का। तो कभी कभी ना ऐसे ऐसे ऑफर्स भी लगे रहते हैं। देखिए, आ गए हैं पनीर और दही के सेक्शन में, जो मुझे लगता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं जो पनीर लेती हूँ यूजुअली, जैसे ये वाला ले लिया मस्ती पनीर, कभी कभी मलाई पनीर भी अवेलेबल होता है, या फिर आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं, ब्रांड डेरी वैली। देखिए, दही में तो बहुत वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो मैं यूजुअली लेती हूँ, जो मुझे पसंद आता है, वो है कॉन्टिनेंटल बायो योगर्ट, वो ये वाला है, कुछ ऐसा दिखता है। इसका टेक्सचर एकदम हमारे घर के दही के जैसा ही होता है, तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
स्वीट्स भी ना डिफरेंट वैरायटीज़ के आपको ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल जाते हैं, लेकिन ना मैं ज़्यादातर प्रिफर करती हूँ हल्दीराम्स का। और जैसे अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हल्दीराम्स के सब कुछ अवेलेबल होने शुरू हो जाते हैं। तो ये शॉप का ना, ये एशियन फूड शॉप है, ये इसका नाम है क्वालिटी फूड्स। और मैं यहाँ आई हुई हूँ, यहाँ पे फ्रोज़न सेक्शन में भी आपको हर एक टाइप का मिल जाएगा। जैसे अब ये फ्रोज़न सेक्शन में मैं आई हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अवियल मिक्स भी है इनके पास, जैक फ्रूट भी कटा हुआ फ्रोज़न मिल जाएगा, मतलब हर चीज़ आपको मिल जाएगा, भिंडी मिल जाएगी कटी हुई। तो देखिए हल्दीराम्स का दाल कचौड़ी, समोसा, मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको, ऐसे किसी चीज़ की भी कमी नहीं है यहाँ पे। ये देखिए पूजा का सेक्शन है, ये पूजा के सेक्शन में आपको डिफरेंट यू नो ये भी मिल जाएंगे आपको, अगरबत्ती और गंगा जल। ये देखिए गंगा जल के बड़े बॉटल्स भी आए हुए हैं, छोटे भी हैं, कैम्फर भी है। गंगा जल का प्राइस कुछ इतना है। धूप, चंदन टीका, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। अब दिवाली के टाइम में तो यहाँ पे दिए सब कुछ आने लगते हैं। अब देखिए गणेश चतुर्थी आएगा तो उसमें भी बहुत कुछ आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी फूड्स में राइस भी आपको बहुत वैरायटी के मिल जाएंगे। जैसे अगर आप सोना मसूरी प्रेफर करते हैं तो शंकर ब्रांड का बहुत फेमस है, वो आपको मिल जाएगा। शंकर ब्रांड का ये है 20 केजीज का, जो आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 22 पाउंड्स में। 10 केजीज का आपको मिल रहा है 12 पाउंड्स 49 में। इडली राइस, बासमती राइस, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ राइस इज़ अवेलेबल एट क्वालिटी फूड्स, तो आप डेफिनेटली ट्राई करना। सोना मसूरी में ये ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, हीरा का। राइस का प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ऑलमोस्ट सभी राइस ब्रांड्स का सेम ही प्राइस रहता है। बासमती राइस में मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ लैला का, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, नॉर्थ इंडियन कुकिंग के लिए हम लोग को यूजुअली मस्टर्ड ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। ये वाला एस मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी लिखी हुई है कच्ची घनी, तो मैं ये वाला प्रेफर करती हूँ। और इसी में आपको बड़ा वाला भी मिल जाएगा। चलिए मैं आ गई हूँ हमारे आटा के सेक्शन के तरफ। तो आटा में भी आपको डिफरेंट वैरायटीज़ मिल जाएगा, बहुत वैरायटीज़ है। जो फेमस ब्रांड है वो है आशीर्वाद। आशीर्वाद का मल्टीग्रेन आटा है कुछ अराउंड 10 केजीज का, 22 पाउंड्स, तो मतलब काफ़ी बढ़ चुका है आटा का प्राइस। ये है आटा का प्लेन वाला होल व्हीट 5 केजी का, ये भी इसका प्राइस भी बढ़ चुका है। तो आशीर्वाद आटा जो प्लेन वाला होता है 10 केजी का आपको ऑलमोस्ट 18 पाउंड में मिल रहा है, मतलब काफ़ी प्राइस बढ़ चुका है यार, काफ़ी ज़्यादा। फिल्सबरी का भी चक्की आटा आपको मिलता है। देखिए इन सब का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, कोई कंपैरिजन नहीं है, सब सेम प्राइस है 18 पाउंड 10 केजी, तो काफ़ी प्राइस बढ़ गया। अर्लियर इनका प्राइस कुछ 10 पाउंड तक आता था, अब तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, राखी का सीज़न आ गया है और राखी भी अवेलेबल है। £1.59 ये बच्चों का स्पेशल राखी है। प्राइस तो लिखा नहीं है, बस ऑलमोस्ट 1 पाउंड के अंदर ही रहते हैं सब छोटे वाले। इससे ये है कुछ 1.99, 2 पाउंड्स में है ये राखी। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं एक ले ही लेती हूँ। देखिए पूजा के ना आपको डिफरेंट टाइप्स के दिए भी मिल जाएंगे। जैसे एक का प्राइस देखते हैं हम लोग, इस पर लिखा है 3 पाउंड, तो सबके अलग अलग प्राइजेस हैं। इसका है 5 पाउंड, मतलब 5 पाउंड में एक, ये भी 5 पाउंड। देखिए आपको हर एक टाइप के
डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स में हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर वो भी मिल जाएगा आपको आराम से यहाँ पे। ये सेक्शन है ग्राउंड स्पाइसेस एंड हर्ब्स क्वालिटी फूड्स में, इसमें आपको ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स के मिल जाएंगे। जो ज़्यादातर फेमस ब्रांड है वो है TRS और ईस्ट एंड, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड रहता है, ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। खाने भी मिल जाते हैं आराम से। हीरा ब्रांड का मुझे मखाना है, ये ग्रीन कलर का, ये अच्छा रहता है ब्रांड। मिश्री, तो फ्रेंड्स चलिए मैं वीडियो के एंड पे आ चुकी हूँ, और जैसे मैंने आपको दिखाया सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, तो आपको किसी चीज़ की परेशानी हो ही नहीं सकती अगर आप लोग लंदन में हैं या फिर UK में हैं। ऐसा कुछ एशियन फूड मार्केट जो होता है उसको ढूंढ लीजिए, तो आपको हर तरीके की चीज़ मिल जाएंगे आराम से। तो अब मैं जा रही हूँ बिलिंग कराने, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक टू माई चैनल और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।